Judokas to report and judogi girls. -23 kg judokas. -23 kg girls. Please report it. Judogi control. ये बताइए, जैसे आप 67 नेशनल गेम्स खेल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे गोल्ड आएगा तो फिर हम बाहर जाएंगे इंटरनेशनल पे, वहाँ पे मेरे को अपने देश के लिए गोल्ड लाना है। यहाँ किस तरह की अकोमोडेशन दे रही है जे एंड के गोल्ड मेडल? यहाँ पे मतलब हमने और भी बाकी नेशनल खेले हुए हैं, बट यहाँ के जो है वहाँ पे मतलब उनसे बेटर है, बहुत अच्छा है यहाँ पे। जे एंड के गवर्नमेंट का सपोर्ट है? हाँ, स्टेडियम भी अच्छा है, खाने पीने की फैसिलिटीज, रहने की फैसिलिटीज सब अच्छा है यहाँ पे। किस तरह की मोटिवेशन मिलती है? हमें बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, ऐसे गेम्स होने चाहिए। अभी हम अंडर 14 है और अभी से हम इंटरनेशनल खेलेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस आएगा हमें। और अगर हम नेशनल स्तर पर जे एंड के की बात करें, जे एंड के इज क्राफ्टिंग स्पेस ऑन कंट्री स्पोर्ट्स मैन। सो ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जैसे चुने जाते हैं, इस हिसाब से टूर्नामेंट्स होती रहनी चाहिए? यही ये टूर्नामेंट्स, दिस इज टू टैप टैलेंट एट द ग्रास रूट लेवल। ये टूर्नामेंट्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये यंगर एज ग्रुप में, अगर आप जूडोकाज को देखोगे, अंडर 14 गर्ल्स और अंडर 14 बॉयज़ के बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अंडर 14 में आप जो टैलेंट देखोगे, जब उनको यहाँ पे गोल्ड या ब्रॉन्ज या सिल्वर मिलेगा तो वो उसमें क्या है कि आगे वो उनको एक मोटिवेशन मिलती है, एनकरेजमेंट मिलती है और आगे वो सफल हो जाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट्स हैं? देखो, मैसेज अगर हम बोलेंगे तो ये जो दीज टूर्नामेंट्स, द इवेंट्स लाइक दिस, अपार्ट फ्रॉम होनिंग स्किल ऑफ द प्लेयर्स एट द ग्रास रूट लेवल, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू शन ड्रग्स एंड अदर सोशल इवेंट्स।